हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम ना MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर लेक्चर लेने वाले हैं। ये लेक्चर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का 6 नंबर का लेक्चर्स है। इसके पहले मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया था, जो करंट लूप हो उस करंट लूप में टॉर्क कैसे तैयार होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, मैंने सभी चीजें डिटेल्स में ली है। आपके सामने बच्चों ये डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम जानबूझकर निकाली है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बेसिक डायग्राम निकाल के टॉर्क कैसे लग रहा है MCG में और कैसे कैसे चीजें होने वाली है, सभी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे आपके पास बच्चों ये डायग्राम दी वाली है MCG की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों इसके पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, उसमें आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने से वोल्टमीटर बनाया था। उसके बाद में बच्चों गैल्वेनोमीटर को पैरेलल सेंट रेजिस्टेंस लो, उसकी वैल्यू लो थी, वहां पे हमने एमीटर बनाया था। बच्चों वही गैल्वेनोमीटर हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं कि उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, आप अपनी गड्डी चलाते होंगे टू व्हीलर तो देखो इसको स्पीडोमीटर का जूम 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 ऐसे हिलता है ना, वैसे ही ग्लोनामीटर होता है, लेकिन ग्लोनामीटर थोड़ा अलग होता है। जैसे कि प्रैक्टिकल लैब में आपने एमीटर, वोल्टमीटर, ग्लोनामीटर, ब्लास्टिक है ना, ऐसे नाम देखोगे AVG ऐसे नाम होते बीच में। तो चलो बच्चों पहले सबसे पहले ये MCG का जो काम होता है ये बता देता हूं। MCG मूविंग कॉइल ग्लोनामीटर बच्चों इसका काम होता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का डिवाइस है बच्चों हमारे पास एमीटर, ठीक है। ये क्या करता है, टू मेजर है ना, टू मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे लिखो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, गॉट इट। एंड डिटेक्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंस है बच्चों, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट या डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब ये बच्चों कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैक्सिमम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। करंट मेजर करने के लिए कभी नहीं करते बच्चों, ये माइक्रो मिली एम्पियर करंट गिनेगा, क्या काम का है उसका, तो हम लोगों को शॉक भी नहीं लगेगा, इतना स्मॉल करंट होता है। जैसे कि आप लोगों के पास जो चार्जर होता है ना, तो उसको भी हाथ लगाओ तो हमको शॉक भी नहीं लगता है, बराबर है ना। तो बच्चों इसमें करंट है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करें। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की भी अलग अलग पॉइंटेड गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, हम लोग MCG ही पढ़ रहे ओनली, बस बाकी के गैल्वेनोमीटर के बारे में हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर क्या क्या होता है, तो यहां पर एक कॉइल लगाई वाली है, इस कॉइल के अंदर बच्चों एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। अब ये दिया नहीं बुक्स में, एक्चुअल में ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर होता है, क्यों होता है, सबकी सब चीजें मिलने वाली है, नॉर्थ एंड साउथ ये दो कॉन्केव सरफेस होते हैं एक्चुअल में, ये मिरर में हम लोगों को डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल दिखेगा, यहाँ पे स्प्रिंग सस्पेंशन लगाए वाला है, ठीक है, ये ब्रोजन से बनाते हैं। चलो आगे बढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में बच्चों हम लोगों ने देखा था, अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पे एक कॉइल लिख दूं, यहां पे देखो एक कॉइल है ऐसी, ये जूम जूम, ठीक है, अच्छी लग रही है सेल कॉइल, ये ऐसे कॉइल होते बच्चों, ये बड़ी हो गई मेरी, ठीक है समझ लो, ओके। और यहां पे ये स्प्रिंग होती है, यहां से समझो करंट आता है अंदर, इसके अंदर है ना बच्चों हम लोगों को है ना एक्चुअल में ऐसे ही रखना चाहिए, ठीक है बाद में बात करेंगे इसके लिए। तो ये जो दो मैग्नेट दिख रहे हैं, ठीक है ये दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, आपको पता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड कहाँ होता है बच्चों, साउथ पोल, समझ में आ रहा है, थोड़ा अलग मार्कर से निकालता हूं जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, गॉट इट, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब देखना है आगे क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर हमने देखा था कोई क्लोज अगर
अगर सॉरी 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 अगर कोई क्लोज लूप हो, क्लोज लूप हो और मैग्नेटिक फील्ड को वो परपेंडिकुलर हो, तो बच्चों यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो जीरो होती, याद है बच्चों? तो यहां पे तो फोर्स ही नहीं लगेगा, मतलब बच्चों इसके ऊपर जो भी, जैसे कि आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे, तो फोर्स अंदर अंदर, या अंदर वाला फोर्स है ऐसे, ठीक है? ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा, तो फोर्स आपके तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है? यहां पे ऊपर फोर्स लगे, देखो देख सकते बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट तो ठीक है, ये एक्चुअल में अंदर होना चाहिए था, ठीक है आप लिख लेंगे। तो एक बात बता रहा हूं बच्चों, इससे क्या होगा कि यहां पे इस क्लोज होने के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, यहां पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। तो इसलिए बच्चों क्या करते हैं, मैंने इसके पहले टॉर्क ऑन करंट लूप में बताया था कि इसको थोड़ा सा ऐसे ये करना पड़ेगा, हम लोगों को हिलाना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इंक्लाइन प्लेन करना पड़ेगा। मतलब बच्चों एक्चुअल में मेरा ये है ना, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को देखो, ये कंडक्टर दिख रहा है आपको वायर, इस कंडक्टर को हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड करना पड़ेगा। मतलब ये जो कॉइल है ना भैया, हम लोग इस कॉइल को क्या करने वाले, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को, ओके? और ये सभी चीज किसके प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, ये टॉर्क ऑन अ करंट लूप, इसलिए मैंने इसके पहले का वीडियो जो बनाया देखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं काम करने वाला हूं कि इसको थोड़ा सा टिल्ट करता है। टिल्ट करना मतलब बच्चों ये ऐसा है ना, ताकि हाँ सर अब लग रहा है, ठीक है ना? तो ये कॉइल ऐसी है समझो, मतलब ये सीधी नहीं है, एक्चुअल में सीधी नहीं है मेरे भाई, ठीक है? ये आपका स्प्रिंग है यहां पे, अब लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, कुछ एंगल तैयार किया हो, तो इस एंगल तैयार करने के कारण हमारा यहां पे जो फोर्स लगते थे ये एक ही एक्सिस में आते थे, याद होगा बच्चों आप लोगों को, मैंने आपको बताया था अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो भी करंट होगा देख लेना। अब मैं इसके करंट क्या है मेरा, इसके पहले का लेक्चर देख लेना। तो बच्चों क्या होगा, इधर वाला फोर्स एक लाइन पे नहीं आते, ये जो फोर्स होते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगता है यहां पे, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे, तो फोर्स अंदर लग रही है यहां पे बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड आपको तो पता है नॉर्थ से साउथ, ये तो पता है ना ये चीज, तो यहां पे फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब जैसे कि इस चीज के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है ऐसे जूम, तो नेट फोर्स जीरो होगा मतलब बच्चों, लेकिन टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये आगे पीछे एक लाइन पे जब भी फोर्स लगता है ना, जैसे कि ये और ये, यहां फोर्स लगा, यहां फोर्स लगा, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये में देखो एक लाइन पे जब फोर्स आते तब कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लेकिन एक लाइन पे होना बहुत जरूरी है। यहां पे भी बच्चों देखो ये सरफेस सेम ही एक ही प्लेन पे है, ये टेढ़ा नहीं है, जैसे कि इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो ये इसको कैंसिल कर देता है, क्यों बच्चों? क्योंकि एक ही लाइन पे ये फोर्सेस है ना बच्चों, एक लाइन पे नहीं आते, ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा ऐसे है। मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ देखो, ये फोर्स मेरे तरफ, ये आपके तरफ है मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें एक लाइन पे नहीं है, थोड़ा आगे पीछे, तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, ये फोर्स ऐसे जूम घुमाते, इस चीज को घुमाना मतलब क्या बच्चों, टॉर्क लगना, टॉर्क लग रहा है मतलब जूम ऐसे हो रहे हैं, तो ये चीज ऐसे घूमती फिर ऐसे, ठीक है? तो बच्चों यहां पे आपके पास टॉर्क लग रहा है, ये इस डायग्राम में हम लोगों को अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। जब भी करंट फ्लो हो जाए तब बच्चों इसमें आपको तो पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे मेन बढ़िया बात क्या बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं हम लोग। आप बोलेंगे सर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे फील्ड कम होगी, अरे भैया वो सोचो मत, या हमारी बस की बात नहीं है नहीं तो बोलेंगे सर जैसे दूर जाओगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम कम होती है। बच्चों ये छोटी चीज है और छोटा कॉइल है, और इसमें से जो करंट फ्लो होगा तब यहां पे आपको राइट हैंड पाम रूल मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे तो फोर्स अंदर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी यहां अरे चलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर दिखा रहा है, करंट थंब डायरेक्शन, फोर्स पाम लगा था अंदर, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट तो अप के तरफ, तो इसके कारण ये जूम जूम ऐसे ट्विस्ट होगा, ऐसे घूमेगा ऐसे, बात समझ में आ रही बच्चों, ऐसे घूमेगा। शायद आप लोगों को बच्चों इस चीज से बहुत एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, मेरे पास एक चार्जर है, चार्जर से आप लोगों को पता लगेगा
कि मैं क्या करना चाहता हूं। अब ये हो गया बच्चों, जैसे ही मैं इसको देखो ये ऐसा करूंगा, टॉर्क लग रहा है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जब भी ऐसे टॉर्क लगता है तब हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करके दे रहे हैं जो कि आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंस है। तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, तो टाऊ इज इक्वल टू एन आई बी, है ना, एन आई बी साइन थीटा, करेक्ट बच्चों, एन आई ए बी है, ए बी बराबर है बच्चों, एन नंबर ऑफ टर्न बच्चों। अगर सिंगल रहता तो हम लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल किया था, है ना, आई ए बी साइन थीटा, याद है बच्चों ये फार्मूला इस्तेमाल किया था। कोई शक है भैया, यहां पे हमने एन नंबर ऑफ टर्न क्यों, क्योंकि बहुत सारे वायर के कॉइल वायर को ऐसे 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 वाउंड कर रहे हैं हम लोग। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ये जो वायर है ये वायर ऐसे ऊपर कवर होना बहुत जरूरी है, इसको ओपन मत करना, अंदर की करोगे तो शॉर्ट सर्किट, पता है ना आपको, जैसे कि कोई दो वायर एक दूसरे को घिसटने के बाद क्या होता है पता है ना आपको, फ्लक्चुएशन होता है, तो वो नहीं, ऐसे वायर होना बहुत जरूरी है। तो इस वायर को ऐसे 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 वाउंड किया है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न लगाया ले। आई मतलब क्या, करंट इस कॉइल में से कितना फ्लो हो रहा है, ए मतलब इसका एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक है बच्चों। अब ये फार्मूला मिला है मुझे कि यहां पे एन आई ए बी साइन थीटा, अच्छा ये हो गया बच्चों मेरा जो टॉर्क अप्लाई किया, तो ये अप्लाइंग टॉर्क है, कौन सा बच्चों, ये है ना अप्लाइंग टॉर्क है, तो ये अप्लाइंग टॉर्क मिला है मुझे यहां पे ये। लेकिन बच्चों आपके बुक्स में कुछ अलग दिया है, इसका रीजन मुझे देना है अभी, ठीक है। यहां पे हम लोगों को क्या करना है कि आपके बुक्स में जो दिया है वो दिवाला है एन आई ए बी, देख लेना बच्चों आपके बुक्स में यही दिए वाला है एन आई ए बी, ये दिए वाला है, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट क्यों बताऊंगा, तो डॉट लिखने की जरूरत नहीं, चलो ये क्यों लिखा है, डॉट नहीं लिख सकते सॉरी, ठीक है, एन आई ए बी, अच्छा मतलब साइन थीटा को उन्होंने मैक्सिमम करने के लिए बोल रहे हैं, और मैक्सिमम होगा बच्चों वन, मतलब बच्चों थीटा जो है वो मुझे 90 लेना पड़ेगा, दैट इज साइन 90 वन होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, सिंपल है बच्चों, यहां पे ए और बी जो यहां पे एरिया जो दिया वाला है और जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब क्या करते बचाए बच्चों, ये जो आयरन का कोर है, ये आयरन का कोर को यहां पे ऐसे रखते हैं, और इसको क्या करते पता है, ये वायर जो है ये वायर ऐसे वाउंड करते बच्चों, ठीक है। अब वायर को, वायर से वाउंड किया इस कोर को, अब कोर को वाउंड किया बच्चों और रख दिया यहां पे आपके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि यहां पे ऐसे गोल जो चीज है उसके अंदर आप लोगों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आयरन कोर है, ये जो आयरन जो कोर है बच्चों, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, कौन सा है, सॉफ्ट, क्यों बच्चों, ये सॉफ्ट आयरन कोर है इसलिए ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे बिहेव करने लगता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करने का काम करता है, क्या 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 क्या, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करने का काम करता है। तब क्या होता है बच्चों मालूम है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी यहां पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बराबर ऐसे ऐसे ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांग करता है बच्चों, मतलब पहले पास हो रही थी समझो 10, अब 20-25 हो जाएगी इसमें, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, अगर टॉप व्यू से अगर देखोगे ऐसे तो ये आयरन का कोर होगा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 अंदर से परपेंडिकुलर पास होगी बच्चों। इस एरिया ऑफ कॉइल को, ये जो एरिया दिख रहा है बच्चों आपको, ये एरिया ऑफ कॉइल को, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ये परपेंडिकुलर होगी बच्चों एरिया को, मतलब इन दोनों का रिलेशन परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल था साइन थीटा ये किसके बीच में का है बच्चों, ए एंड बी, एरिया ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल दिख रहा है जो डब्बा जैसा है, ये मार्कर जैसा है, ये मार्कर जैसा डब्बा, और इसमें से ऐसी 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 पास हो रही है, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ये जो आयरन का कोर है मार्कर जैसे, और इसमें से मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जूम 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 पास हो रही है, क्या रिलेशन है, ये जो एरिया है इसका कॉइल का, उसमें से मेरी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों परपेंडिकुलर पास हो रही है, परपेंडिकुलर मतलब क्या बच्चों,
साइन 90 होगा 1। तो बच्चों इसलिए आपके बुक्स में ये इक्वेशन देने का मीनिंग है। आपके बुक्स में नहीं बताया गया बच्चों, मैंने डिटेल में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बच्चों यहां कंफ्यूजन ना हो, ये डायग्राम इसलिए दी गई है। कौन सी है बच्चों? ये सॉर्ट आयरन कोर है और ये जस्ट लाइक कैसे बिहेव करने लगता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या काम है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा पास करना। पहले परपेंडिकुलर नहीं थी बच्चों, ये परपेंडिकुलर पास हो जाएगी। फिर इसके लिए बच्चों ये इक्वेशन इस्तेमाल किया, इसके कारण ये रहा तो नहीं होगा। आपको ये क्यों डायग्राम दी गई है? क्योंकि साइन 90 को मुझे साइन थीटा को 1 करना है, मैक्सिमम करना है, इसलिए दिया। अच्छा, अच्छी बात है सर, मतलब अप्लाइंग टॉर्क ये है आपके पास, कोई टेंशन नहीं। मैं आगे बढ़ाऊ भैया, मेरे ख्याल से पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट देखना है बच्चों मुझे कि यहां पे, जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे ये जो कॉइल है बच्चों, ये कॉइल होते हैं। अब यहां पे देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे एरिया, ये एक्चुअल डायग्राम में आपको देखना है। आप तो एमीटर वोल्ट मीटर अभी देख नहीं सकते, अपने घड़ी आपका जो स्पीडोमीटर है ना गाड़ी का, उसको देखो, देखो कैसे डिफ्लेक्शन क्या होता है। आप लोग किक मारते हो, बाद में एक्सेलेटर जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका स्पीडोमीटर स्पीड बढ़ाता 10, 20, 30, 40, 50। मतलब क्या करते बच्चे, गाड़ी में भी करंट फ्लो होता है, एक्चुअल में करंट फ्लो होता है। पेट्रोल, पेट्रोल से आपको पता है वहाँ पे फायर होता है, मतलब वो हीट का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी गाड़ी को प्रोवाइड करती है। जैसे आप लोग एक्सेलेटर बढ़ाना, करंट बढ़ाना और डिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। मतलब बच्चों ये स्केल दिखाते ये, और इस स्केल में होता है आपको पता है ऐसे स्केल है ना, ये ठीक है, ये स्केल है ऐसे, बात समझ में आ रही है भैया? ऐसे स्केल होती है यहाँ पे। अब देखना है बच्चों कि ये जितना दूर जाएगा, यहां से देखो, यहां से मेरा स्पीडोमीटर है समझो, यहां से जूम गाड़ी की स्पीड बढ़ी, पहले यहां पे, बाद में यहां करते 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 यहां 120 की स्पीड है हमारी गड्डी की। तो क्या होगा बच्चों बाद में, गाड़ी की स्पीड कम करो जूम रिटर्न आएगा। वैसे इसको भी देखो, अगर मैंने ये जो कॉइल था, ये कॉइल ऐसे मेरे डिफ्लेक्ट हो रहा था, टॉर्क लग रहा था, जितना टॉर्क लगेगा बच्चों देखो, जितना टॉर्क अप्लाई कर रहे उतना वो वापस आ रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, उसको टोरेटल कांस्टेंट बोलते हैं है ना, या स्ट्रेन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। देखो जितना मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ या इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, ट्विस्ट बोलेंगे हम लोग, तो वापस देखो जूम जूम दिख रहा है बच्चों आपको, जूम जूम हो रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब जितना आप लोग उसके ऊपर टॉर्क लगाया था जूम, उतना वापस आएगा, और उस चीज का हम लोग बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, और वो होता है बच्चों डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड। जितना ज्यादा फाई मतलब डिफ्लेक्शन, कुछ लोग थीटा इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं, टेंशन मत लेना। तो यहां पे जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना रेस्टोरिंग ज्यादा, मतलब इसको जितना ज्यादा ट्विस्ट किया आपने उतना ज्यादा, देखो इतना किया इतना ही, मैंने ज्यादा करते देखो एक बार कर दिया, देखो समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये थोड़ा करो, थोड़ा रेस्टोरिंग टॉर्क था, मतलब अपने बॉडी के अंदर हाथ डालो बच्चों, जितना अंदर हाथ डालोगे है ना उतना रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा उतना आएगा ऊपर, कम डाला कम, बात समझ में आ रही ना? ओके समझ में तो आ रहा है बच्चों? इसको जितना ज्यादा आप लोग डिफ्लेक्ट करोगे उतना रेस्टोरिंग फोर्स जो है उतना ज्यादा उतना ही होगा। देखो मैंने ज्यादा कर दिया, एक पूरा रिवॉल्यूशन किया, देखो कितना जोर से आ रहा, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क, आपने कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन किया है कॉइल का उतना ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क ये जो होगा बच्चों रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू लिखना है वहां पे के लिखा है फाइव, कुछ बुक्स में सी, अगर ओल्ड बुक्स में देखो तो सी, दोनों का मीनिंग एक ही है भैया। अच्छा मतलब ये टॉर्क अप्लाइंग टॉर्क और ये टॉर्क सेम, हाँ करेक्ट है ना? क्यों बच्चों? जितना अप्लाई किया उतना रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। अरे आपने अप्लाई ही समझो इतना किया तो इतना ही हो रहा है, आपने अप्लाई किया पूरा रिवॉल्यूशन करो उतना ही हो रहा है। मतलब बच्चों दोनों को इक्वालेंट कर सकता हूं, टॉर्क ये होगा रेस्टोरिंग, ठीक है, इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाई। तो रेस्टोरिंग टॉर्क है मेरे पास के फाइव, इसकी वैल्यू बच्चों एन आई ए बी, ओके सर। तो फाइव इज इक्वल टू, आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न इस कॉइल में जितने होंगे उतने ही रहने वाले, क्या सर आज 10 थे बाद में चेंज करना, ये अंदर वाली बात है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन है ये ग्लैनोमीटर का, एमसीजी का, ठीक है ना? जब 10 होंगे तो 10 होंगे, 20 होंगे तो 20 होंगे, नंबर ऑफ टर्न उतने ही, एरिया उसका जो फिक्स है
ये डायग्राम का उतना ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कॉन्स्टेंट है, नॉर्थ और साउथ पोल वही रखे हैं। ये डिवाइड आने वाला है के और करंट काली वेरी ओनर है, मतलब बच्चों डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। क्यों बच्चों? यहाँ पे यन आपका जो है यन ए बी बाय के, ये है हमारे पास कॉन्स्टेंट। दिखाई तो दे रहा भैया, बहुत ज्यादा नीचे ऊपर तो नहीं होता है ना? ओके, मतलब आपको एक बात समझ में आती होगी भैया कि यहां पे सबसे मेन ये है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे इस कॉइल में उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। किसका बच्चों? एमसीजी का। बस यही प्रूव करना था मुझे एमसीजी में, सबसे मेन यही बात है। क्या 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 समझ में आ गया? मैंने जितना टॉर्क लगा के देखा इसे, आपको जैसे मैंने बताया कि टॉर्क कैसे लगता है, जब तक अगर इसके प्लेन में रहे तो टॉर्क जीरो लगता है और नेट फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो लगता है। थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है इसे, थोड़ा सा, जैसे किया एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर ऐसे, इसके कारण टॉर्क लग रहा है, टॉर्क जूम वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना रेस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको चार्जर घुमा के देखा, जितना घुमा तो ट्विस्ट होगा, वो छोड़ दे, देखो वापस अपनी जगह पे आता है। जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर मैंने जितना ज्यादा फोर्स लगाया, छोड़ दो वापस वही जगह पे। बात तो समझ में आ रही भैया? मतलब जितना फोर्स लगाया उतना रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, जितना फोर्स जितना घुमाया उतना हो डबल बैक आएगा, जितना घुमा उतना बैक आएगा। तो घुमाने के लिए टॉर्क इस्तेमाल किया अप्लाई, तो यह हमने टॉर्क ऑन अ करंट लूप, इसके पहले का वीडियो देखना बहुत जरूरी बच्चों। तो एन आई ए बी साइन थीटा, मैंने बोला एक काम करेंगे यार, उसको मैक्सिमम करना है मुझे, टॉर्क मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, तो मैंने बोला एक काम करेंगे इसके अंदर कॉइल डालेंगे, सॉरी आयरन कोर डालेंगे। इससे क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर की खासियत क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को अंदर से लेके जाता, मतलब ज्यादा ज्यादा, पहले 10 होंगे तो अभी 20 लाइन लेके जाएगा। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते ना, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनता है बच्चों, और इसके ही कारण ये 90 बना देता है, क्योंकि एरिया ये मार्कर जैसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर से तो परपेंडिकुलर होके ये बन गया था। मैंने बोला यार रेस्टोरिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? आपने कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन किया। सर मैंने देखो इतना डिफ्लेक्शन किया 10, देखो 10 किया तो 10 वापस आएगा, 20 किया तो 20 आएगा, 30 किया तो 30, 40 किया तो 50 किया तो वापस, मतलब बच्चों डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क होता है। और के इज कॉन्स्टेंट बच्चों, आपको नाम भी पता है, मैंने बता दिया आपको। तो मैंने बोला काम करेंगे दोनों की इक्विवेलेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों जितना टॉर्क लगाया उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, जितना मेरे पेट को अंदर दबाया उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, कम दबाया कम, ज्यादा दबाया तो ज्यादा, तो इक्वालेंट है, तो दोनों की इक्वल रखते हुए हमने किया। कुछ बुक्स में ऐसे भी करते हैं कि यहां पे इस चीज को अलग तरीका भी है, बता देता हूं मैं कि आप लोगों को यह भी फार्मूला मिलेगा, एन आई ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो मुझे I करना है तो K डिवाइडेड बाय एन ए बी, ये भी दिखाते दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, कोई फर्क नहीं है, मुझे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल निकाल सकते। देखो कुछ बुक्स में अगर नोट्स अवेलेबल है आपके पास तो ऐसा लिखा है, तो कुछ नहीं मुझे इसका और इसका रिलेशन दिखाना है, किसका आवर फाइव तो डिवाइड जाने वाला है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है बच्चों, नंबर्स ऑफ टर्न कॉन्स्टेंट होते हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेट इस्तेमाल किए नॉर्थ और साउथ वो भी सेम होंगे, एरिया ऑफ कॉइल भी सेम होगा, सभी चीज सेम होगी, खाली इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा एक्सेलेरेटर दबाओ ज़ूम, करंट ज्यादा तो गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा वो नहीं है, गलत मत समझना, वो स्पीडोमीटर का एग्जाम्पल लागू होता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए बता रहा हूं, वो मत करना, एक आपको रूटीन में जो एग्जाम्पल है इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल से बच्चों आपको एमसीजी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, चलो उसके बाद में बच्चों आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअल में है ना हमारे बुक्स में म्यू दिखाया है, लेकिन हम लोग है ना कैपिटल एम भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अगर पुराना सिलेबस देखोगे तो कैपिटल एम ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बुक्स में करते हैं, म्यू क्यों इस्तेमाल किया है इस बुक में मुझे पता नहीं है, लेकिन छोड़ दो, सिंबल सिंबल होता है, कोई इससे लेना देना नहीं है। बच्चों आपको मैग्नेटिक पोल पता है, वैसे कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल भी पता होना चाहिए। डायपोल मतलब बच्चों दो, एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, जो भी मानते होगे, निगेटिव मानो इसको पॉजिटिव चार्ज मानो,
ठीक है। इसका जो होता है बच्चों, आप लोगों ने लिखा होगा पी क्यू इंटू टॉय सेल, ऐसा लिखा होगा, याद है बच्चों। वैसे मैग्नेट रहा नेचुरल, ठीक है, हम तो करंट का लूप लेके पढ़ने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ है बच्चों, ये साउथ है, ठीक है। तो इसमें सेंटर इतना डिस्टेंस एल होता है, इसके बीच में का डिस्टेंस एल होता है, आपको पता होना चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस टॉय सेल होता है बच्चों। यहां पे जो पोल स्ट्रेंथ होती है स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितना किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, अरे स्ट्रेंथ मतलब क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है पढ़ाई करने की, वैसे। तो बच्चों यहां पे भी हम लोग ने क्या यम से दिखा के लिख सकते हैं, यम इंटू टॉय सेल, ठीक है बच्चों। हम लोग जो पढ़ रहे ना करंट लूप के, ये नेचुरल मैग्नेट है उसके बारे में पढ़ रहे, बात समझ में आ रही है। एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि यहां पे मैग्नेट रहा नेचुरल, जो मैग्नेट होता है आप घरों में खिलौने में छोटे छोटे मैग्नेट होता है, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ये डिफाइन होती है एक्चुअल में। और इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कम बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, लेकिन लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ध्यान में रखना नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, किसकी तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। सर हमारे बुक्स में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो, टेंशन मत लेना भैया, मुझे आप लोगों को वही पढ़ाना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है एक्चुअल में। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ये जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्चुअल में क्या है सर बता दो, कुछ नहीं बच्चों, डिफाइन होती है यम इज इक्वल टू आई ए वेक्टर, करंट बच्चों स्केलर क्वांटिटी पता है, जो इसका डायरेक्शन हो इसका डायरेक्शन होता है, ये कौन है बच्चों, एरिया ऑफ द कॉइल का डायरेक्शन है, एरिया ऑफ द कॉइल का डायरेक्शन है, बात को समझो, ठीक है, आई इंटू ए बच्चों। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पे समझो कॉइल है और इस कॉइल में ये करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड तो निकालते आती है ना, तो देखो करंट थंब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कर ये जूम, यहां पे भी जूम, यहां पे भी जूम जूम, देखो ये जो थंब है ना बच्चों करंट के करना है मैग्नेटिक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे देखो अंदर अभी देखो सोचो ये कॉइल ऐसा है, ये जूम देखो मेरा ये थंब दिख रहा है आपको, थंब दिख रहा है जूम 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 जूम, समझ में आ रहा है ना, ये कॉइल ऐसी है करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये देखो कैसे मेरे तरफ से जा रहा हूं मैं वाल की तरफ बाद में दोबारा मेरे तरफ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहां पे कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और वापिस से बाहर जा रहे, ठीक है, बात को समझो बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, एक बात ध्यान में रखना मैग्नेट में, अगर आपके पास मैग्नेट हो तो मैग्नेट में बच्चों नॉर्थ ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये बात पता है आपको, और अंदर है ना बच्चों, मुझे बताओ ये पूरा लूप कंप्लीट करेगा नॉर्थ से साउथ गए तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ बच्चों, साउथ से नॉर्थ, देखो अंदर अंदर ये कॉइल है, इस कॉइल में से अंदर जा रही है, ऐसे झांक के देखो, जैसे कि बच्चों अगर ये मार्कर के अंदर का पूरा निकाल दूं या पेन है आपके पास तो पेन से ऐसे झांक के देख रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाके वापिस इधर से आ रही है, बात को समझो बच्चों, ठीक है। तो ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर यहां पे साउथ है यहां पे नॉर्थ है, ओए, 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 देखो नॉर्थ, देखो नॉर्थ से बाहर निकल रही है साउथ से अंदर जा रही है, ऐसा बोलो या साउथ से नॉर्थ जा रही है, अंदर से देखो तो अंदर जाना साउथ, बाहर निकालना नॉर्थ, बात को समझो बच्चों। तो ये फीलिंग आ रही है मुझे साउथ से नॉर्थ, तो यहां पे बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन होगा ये साउथ से नॉर्थ, क्योंकि हमने देखा मैंने कुछ गलत बताया था कि आपको, ठीक है, और आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा बच्चों, देखो ये साउथ होता है करंट कॉइल और ये जो होता है बच्चों नॉर्थ होता है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, ठीक है, लग रहा भी है, लग रहा भी है, ओके।
तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन कुछ गलत बताया था मैंने, सॉरी फॉर यू। तो ये होगा बच्चों। इसके अलावा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, कंफ्यूजन दूर करो बच्चों, मैंने पहले गलत बताया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन दिखाने कैसे मालूम है कि यहां पे करंट लूप को ये करना, जैसे कि सिंपल ये मत करो क्योंकि ये बताने की स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन निकालने का तरीका शॉर्टकट में ये है। देखो ये कैसे करंट का डायरेक्शन, ये थंब मैग्नेटिक डायपोल दिखा, जूम देखो नीचे नीचे, ये ऐसा है जूम नीचे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन है। किसी ने कहा कि यही लूप है करंट, लेकिन हमारा ये डायरेक्शन में ये। अब बताओ सर, तो देखो ये मतलब कॉइल ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे जूम जूम, तो देखो ऊपर, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ऐसे है तो ऐसे, किसे का करंट कहा कि ऐसे है तो इधर डायरेक्शन, इधर है तो इधर, मतलब देखो दोबारा, ये है बच्चों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है समझो, या ऐसा है, ऐसे रखा है मैंने सरफेस को, तो देखो करंट ये कर फिंगर थंब डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन जूम जूम, ठीक है। किसी ने बोला कि चलो अब करंट उल्टा, ये ऐसे देखो मेरे तरफ से आपके कैमरे की तरफ, बाद में बोर्ड की तरफ ऐसे, तो इस टाइम पे क्या होगा, जूम ऊपर, देखो जूम ऊपर, जूम ऊपर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका डायरेक्शन दिखाई देता, ठीक है बच्चों। यहां पे एक ही कॉइल है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉइल रहे तो क्या करोगे, यही फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n i a, इसको कैपिटल आई लिखा तो भी चलेगा। ये मुझे बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का फार्मूला मिला है बच्चों। लेकिन हम लोग है ना, यहां पे आपके बुक्स में म्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो n i a, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंबल दिया है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका मीनिंग एक ही होता है यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके पास टॉर्क, क्या 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 क्या, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, इसके पहले का आर्टिकल है ना, तो उसमें क्या पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, सही बच्चों? तो हम लोग एन आई बी के जगह पे, सॉरी एन आई ए के जगह पे म्यू रख सकते हैं बी, ठीक है बच्चों? आपको अदर बुक्स में ऐसा मिलेगा एम बी साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों? मुझे बता बच्चों, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते साइन आया, तो ध्यान रखना है कभी भी अगर ए क्रॉस बी रहा तो लिखते हैं ए बी साइन थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट रहा तो ए बी कॉस थीटा होता है, पता है ना आप लोगों को, ओके? तो यहां पे श्योर है, इन शॉर्ट बच्चों म्यू क्रॉस बी लिखेंगे, बी क्रॉस म्यू नहीं, म्यू क्रॉस बी, जैसे कि अपना अभी आ रहा था, तो इसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए है मेरे ख्याल से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का, आप लोगों को ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम एक्चुअल में टॉर्क में कैसे यूज करना है ये पढ़ाया गया है, मतलब टॉर्क में भी हम लोगों ने यहां पे म्यू बी साइन थीटा ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्यों बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड है, करंट के ऊपर डिपेंड है, और एरिया आपका कॉइल का कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में बच्चों हम लोग सेम टू सेम, देखो हम लोग ने क्या मैग्नेटिक में म्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और उधर करते हैं पी, कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां बी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इस्तेमाल करते बस, मतलब ये बच्चों मैग्नेटिक में जब भी फार्मूला लगाना है तब ये, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फार्मूला टॉर्क का लगाना है तो सिंपल बच्चों म्यू के जगह पे पी, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये हम लोग दिखा सकते बच्चों, ये किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सिमिलरिटी बस, बाकी कुछ नहीं बच्चों, मैग्नेटिक के लिए और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ये है सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, क्या बच्चों ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। सेम टू सेम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल निकालने वाले हैं, मतलब अब ये ना सिमिलरिटी के ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब यहां पे कोई नॉलेज देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं होगा हमारे से, क्योंकि उसको अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना है तो कम से कम एक लेक्चर लगेगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखने वाले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल,
बच्चों, इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर्स है, आप लोगों को मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल क्या होता है। एक्चुअल में वहां से डायरेक्टली फार्मूला हमने उठाया पोटेंशियल का, माइनस पी क्रॉस ई, ठीक है। सेम टू सेम क्रॉस नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये अपना स्केलर क्वांटिटी एनर्जी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों, हमने यहां से डायरेक्टली फार्मूला उठाया है, माइनस पी डॉट ई वेक्टर फॉर्म में। अच्छी बात है, मैंने अभी अभी बताया बच्चों, पी के जगह पे हम लोग म्यू, बहुत सारे बच्चे यम भी इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली यम ही इस्तेमाल करना चाहिए था, आपके बुक्स में दिया है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे बी। इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे बनेगा, तो माइनस यहां पे पी के जगह पे हमने माना है म्यू डॉट, यहां पे बच्चों ई के जगह पे बी, सेम बच्चों सेम फार्मूला, ठीक है। क्या सिमिलरिटी है क्या नहीं पता होना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम लोगों को लिखना है तो माइनस म्यू बी डॉट रहा तो कॉस थीटा, मैंने अभी बताया बच्चों ए क्रॉस बी रहा तो ए बी साइन थीटा, स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ना है आपको, ए डॉट बी रहा तो ए बी कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ रही भैया, कोई टेंशन है, ये एनर्जी यू है बच्चों, ठीक है, कैपिटल यू, क्योंकि म्यू आर ये दोनों सेम लग रहे हैं मेरे, इसलिए बता रहा हूँ, कैपिटल यू है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपके बुक्स में दो डायग्राम्स है बच्चों, एक ये डायग्राम है कि जो कि सिमिलर डायरेक्शन हो म्यू का और बी का, ठीक है, और दूसरा जो है बच्चों एक अपोजिट है एक दूसरे को, कुछ भी मानो यार, म्यू बी, ठीक है, ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है। मतलब क्या है बच्चों, इन दोनों में जो डायरेक्शन है म्यू और बी के बीच में का एंगल है थीटा, ये ठीक है, और वो जो थीटा है मुझे दिख रहा है जीरो, तो कॉस जीरो जो है बच्चों वो होता है वन। तब बच्चों जो एनर्जी है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, तब यहां पे माइनस म्यू बी मिल रही है, मतलब ये मिनिमम मिल रही है बच्चों, क्योंकि माइनस में है। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम, नहीं नहीं, ये जो एनर्जी होगी मेरे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पैरेलल टू ईच अदर होने के कारण है। उसके अलावा बच्चों दूसरी डायग्राम दी वाली है, मुझे समझ में आ रहा है कि थीटा 180 है बच्चों, और कॉस 180 होता है आपको पता होना चाहिए माइनस वन। मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूं बच्चों, यू इज इक्वल टू म्यू माइनस बी, और यहां पे माइनस 180 की वैल्यू माइनस वन, तो यू इज इक्वल टू बच्चों माइनस माइनस प्लस हो रहा है म्यू बी। मतलब बच्चों अगर एंटी पैरेलल हो, कौन 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 बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी पैरेलल, कैसे कैसे बच्चों एंटी पैरेलल हो, तब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो तब मैक्सिमम होती है। मतलब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा यहां पे, ताकि आपको समझ में आए। बच्चों अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने मैग्नेट ऐसे रखा हो, तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो मिलेगी नहीं बच्चों, यहां पे माइनस निगेटिव मिलती है, ठीक है, ओके बच्चों। यहीं पे अगर कोई मैग्नेट हो और इस मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसा करते हैं, तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर खड़ा कर देते डायरेक्टली, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसी मैग्नेट को घुमा के अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो बच्चों इस पे जो पोटेंशियल एंटी पैरेलल, तो यहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव मिलती है, मतलब मैक्सिमम मिलती है। बात समझ में आ रही बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैंने मैग्नेट को ऐसा रखा है, ऐसा मतलब बच्चों ये नॉर्थ है ये साउथ है, ध्यान में रखना बच्चों ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है ना, नॉर्थ ये साउथ ऐसा रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो निगेटिव होगी, ओके समझ में आ रहा है बच्चों। यहां पे अगर वही मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 जीरो होती है। वही मैग्नेट पहले ऐसे रखा था, बाद में ऐसा, बाद में आप ऐसा रख रहा हो, तो पॉजिटिव, क्योंकि एंटी पैरेलल कर दिया बच्चों, इसका मतलब क्या है, मैंने एंटी पैरेलल कर दिया, तब बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अपनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पे, ये आपको मैक्सिमम मिलेगी। ये यहां पे बच्चों आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट बच्चों आपके लिए न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स के 10.4 है, एक सर्कुलर कॉइल है, कंडक्टिंग वायर है और ऐसे 500 टर्न्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
ये जो कॉइल का एरिया है बच्चों, ये लिखा है मैंने 1.26 × 10⁻⁴ m², इनक्लोज द कॉइल। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 100 μA। 100 μ समझते माइनस 6, तो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे 10⁻⁴ होगा। अरे 10⁻² है ना, तो एम्पियर में लिखा है। और म्यू निकालना है, म्यू बोलो, कुछ लोग कैपिटल एम बोलते रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है भैया। तो म्यू नंबर सॉफ्टन है बच्चों 5 × 10⁻², इसको लिखो ना बच्चों 5 × 10⁻², टर्न्स लिखा तो भी चलता है। एरिया है मेरा 1.26 × 10⁻⁴, और ये करंट जो है वो भी माइनस 4 ही है। सही बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है, गलत कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आता होगा, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10 और ये 13, 1, 5 और 6 = सही बच्चों। और ये 8, तो ये 10⁶, करेक्ट है बच्चों। ओके चलो, करंट का यूनिट होता है बच्चों एम्पियर, और इसका होगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में। और ये भी माइनस बच्चों, माइनस 8 में से 2 गए, माइनस 6 होगा, तो 6.3 आपके बुक्स में भी दिए वाला है बच्चों। ओके तो ये आपका आंसर सही है। इसके लिए बच्चों देखो फार्मूला आधा मार्क, ये स्टेप को आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। बच्चों ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल आता है HSC बोर्ड में, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको करना ही पड़ता है बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम लोग ने क्या, बॉन्ड सर्वेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस वीडियो का हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। अब अपनी पढ़ाई करते रहना, डोंट वेस्ट टाइम, पैनिक मत होना बच्चों। बहुत सारे बच्चों कोरोना वायरस के कारण डर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करो, फोकस करो बच्चों पढ़ाई के ऊपर, आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलना चाहिए बाकी बातें के सुनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है और पढ़ाई करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यू।